आजकल के समय में सप्लीमेंट इतने महंगे हो गए ना मेरे भाई कि उन्हें अफोर्ड करना और हमारी बजट के बाहर जा रहा है। क्योंकि ऐसे सप्लीमेंट जैसे वी प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत ही ज़रूरत है, क्योंकि वर्कआउट के बाद में हमें लगता ही लगता है प्रोटीन। और वो मेरे भाई लोग जो मेरे भाई जिम की फ़ीस भी नहीं जमा कर पाते हैं, वो ऐसे में क्या वी प्रोटीन ले पाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो एक ऐसा सप्लीमेंट हमेशा दिमाग में आता है और उन मेरे भाई लोगों के भी दिमाग में आता होगा, क्योंकि ये सस्ता प्रोटीन है, सस्ता सप्लीमेंट है, तो वो है क्रिएटिन, जिसका रेट अभी तक नहीं बढ़ा है। वो सबसे ज़्यादा रिसर्च किया हुआ सप्लीमेंट ये है। तो ऐसे में उनके दिमाग में ये आता है कि हम वर्कआउट के बाद में क्रिएटिन ले सकते हैं या हम डेली यूज़ करके एक अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। लेकिन साथ साथ में उनके दिमाग में ये एक और चीज़ आती है, क्योंकि क्रिएटिन से तो भाई बाल झड़ते हैं, किडनी ख़राब होती है। तो ये जो मिथ शुरू से चलते हुए आ रहा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बंदा घबरा जाता है और ये सप्लीमेंट जो सबसे ज़्यादा रिसर्च किया हुआ सप्लीमेंट है इसको नहीं लेता है। और बहुत से लोग पूछने के बाद भी ये बता नहीं पाते हैं कि इसको डेली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरे भाई लोग, आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्रिएटिन डेली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, डेली लेने के बाद भी क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इस पूरा की पूरा इसमें जानकारी दूंगा। तो इसका जवाब है मेरे भाई लोग कि आप डेली इसको यूज़ कर सकते हो। कब तक यूज़ कर सकते हो मैं आपको ये भी बताऊँगा। देखो क्या होता है, कभी कभार हमारी जब भी बॉडी किसी सप्लीमेंट को लेती है तो वो शुरू शुरू के टाइम में रिज़ल्ट बहुत अच्छा देती है। तो आप इसको महीने दो महीने आप इसको चलाओ, आपको लोडिंग फेस ये सब चीज़ें अगर आपको करनी है तो कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो 3 से 4 या 5 ग्राम आप डेली इसको लो 1 से 2 महीने, 2 महीने के बाद इसको बंद कर दो वापस, उसके बाद में फिर उसको चालू करो। तो इस तरीके से आपको रिज़ल्ट मिलेगा जिस तरीके से अपना आप वर्कआउट पैटर्न आप चेंज करते हो। क्योंकि क्या होता है, बॉडी हमारी चीज़ों को समझ जाती है और उसके बाद में रिज़ल्ट देना बंद करती है। तो आप इसको एक तरीके से डेली ले सकते हो 2 से 2.5 महीने, उसके बाद में कुछ दिन बंद करके आपको दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिज़ल्ट देगा ही देगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया। और रही बात कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो भाई ऐसा कुछ भी रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई कि इसकी वजह से किडनी ख़राब हुई है, ये ख़राब हुआ है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। अगर आपको लगता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आप लोगों की ये सब चीज़ें भी होती है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से, किसी को क्रिएटिन लेते वक्त मेरे को इस तरह की चीज़ें नहीं दिखी है। तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो। और साथ में इसके अंदर कुछ और चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए कि पानी का इंटेक आपको ज़्यादा रखना ही रखना है मेरे भाई, तब जाके आपको ये सप्लीमेंट जो है रिज़ल्ट देगा। लेकिन मैं लास्ट टाइम में हमेशा यही बोलता हूँ कि सप्लीमेंट सस्ता रहता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं दे, क्योंकि माइंड में हमेशा यही चलता है कि भाई सस्ती चीज़ है तो ये रिज़ल्ट नहीं देगी। मेरे भाई भाई सस्ती चीज़ है, रिज़ल्ट देती है, तभी इसको बहुत लोगों को ये बना के रखा हुआ है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, आपको डेली आपको यूज़ कर सकते हो 1 से 2 महीने आपको, फिर उसके बाद में चेंज करना है आपको। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्रिएटिन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा। तो बाकी और कमेंट के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाई लोग।